गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो हमारी अनार की प्रूनिंग ख़त्म हो चुकी है और हमने कुछ एक स्टिक्स तैयार की थी जिनसे हम नर्सरी प्लांट कर सकें। तो आज तो फ़िलहाल हम अपनी नर्सरी प्लांटिंग का काम डिले कर रहे हैं। तो अब ये स्टिक्स जो हमने तैयार की है ख़राब ना हो जाए, इसके लिए हम इन्हें थोड़े समय के लिए प्रिजर्व कर रहे हैं। तो उसके लिए सिंपली हमने एक छोटा सा पिट तैयार किया है और उस पिट के अंदर हम इन्हें प्लेस कर देंगे और बाद में इस पिट को हम मिट्टी से अच्छे से भर देंगे। तो इससे होगा क्या, ये एक दो हफ्ते के लिए आराम से प्रिजर्व रहेगी, ख़राब नहीं होगी। और जब भी हमें एक दो हफ्ते बाद अपनी नर्सरी प्लांट करनी होगी तो सिंपली हम इन्हें यहाँ से निकाल के नर्सरी में प्लांट कर देंगे